कह देती हूँ कसनफर, तुमने बच्चों को इस कतर आजादी देकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। पहले कुमैल की मनमानी, फिर बख्तेन की मुंहजोरी। मैं तो शर्म से डूब गई जब सायरा ने बताया कि बख्तेन ने पूरे क्लब के सामने वलीद की किस कदर बेइज्जती की, न सिर्फ मंगनी तोड़ी बल्कि उसका सामान भी लौटा दिया। अरे भाई, कोई मसाला था तो पहले तुम्हें बताती, बाप हो उसके, तुम्हें भी बताना जरूरी नहीं समझा और तुमने भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। बताता तो क्या बताता अम्मी, अभी आपसे पता चल रहा है कि मंगनी तोड़ दी उसने। अरे वजन पर होश के नाखून लो, ये सब क्या हो रहा है? देखो, वलीद जैसा लड़का मिलना आजकल के दौर में बहुत मुश्किल है, और फिर लड़की के लिए हम पल्ला खानदान मिलना किसी मौजे से कम नहीं। अब कहाँ मिलेगा ऐसा लड़का? अरे वलीद को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो खड़े खड़े कहीं से भी रिश्ता मिल सकता है। मैं कह रही हूँ बेटी को समझाओ, मामला सुलझाओ इससे पहले कि देर हो जाए। जी अम्मी, मैं बात करता हूँ। तस्कीन, बहुत अच्छा लगा तुमसे इतने अरसे के बाद मिलकर। मुझे भी। वैसे हम लोग काफी दिन से प्लान बना रहे थे आप लोगों की तरफ आने का, बस आज स्पेशली टाइम हमने निकाला और आ ही गए। मैं तो खुद आप लोगों की इतनी थैंकफुल हूँ कि इतना अरसा आप लोगों ने कुमैल को अपने पास ठहराए रखा। ये क्या कहा तुमने? कुमैल हमारा बेटा है, उसका अपना घर है वो। And Mama was so impressed. वो तो भूल ही गई थी कि उनकी क्या राय थी तुम्हारे बारे में। और तुम याद करवा दो। Sorry किस बात का माहीन? ये तो बहुत जरूरी है। I think मुश्किलों को और तलखियों को फेस करने के लिए ना बहुत हौसला मिलता है। So keep smiling. चाय? खाना लगवाऊं? लगवाती हो? तुम लोग गपशप लगाओ। बिरयानी बन गई? जी। चलो ले जाओ। फोन कट करने से पहले बस इतना जान लो कि इस वक्त बख्तैन के बाप की हैसियत से कॉल कर रहा हूं। देखो, हमारा अलहदा होने का मतलब ये तो नहीं है कि बच्चों के दिमाग में जो आए वो करें, और तुम उन्हें रोक भी नहीं रही हो। और मेरी समझ में नहीं आ रहा तस्कीन, मतलब तुम मेरी बेटी को किस रास्ते पर चला रही हो? तुमने उसे पूछा तक है कि वलीद का रिश्ता उसने क्यों ठुकराया है? प्लीज आंसर मी। फोन कट करने से पहले बस इतना जान लो कि इस वक्त बख्तैन के बाप की हैसियत से कॉल कर रहा हूँ। देखो, हमारा अलहदा होने का मतलब ये नहीं है कि बच्चों के दिमाग में जो आए वो कर लें और तुम उन्हें करने दो। और मेरी समझ में नहीं आ रहा तस्कीन, मतलब तुम मेरी बेटी को किस रास्ते पर चला रही हो? तुमने उसे पूछा तक है कि वलीद का रिश्ता उसने क्यों ठुकराया है? प्लीज आंसर मी। मॉम, डैड बिल्कुल भी इस तरह जाके उनको डाइनिंग टेबल पे लेके जाओ। जल्दी से, खाना लग गया। प्लीज गो। शाबाश, को